हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SP9। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में पब्लिक फेस में जी हां बात कर रहे हैं येदियुरप्पा की। आपको बता दूं, कर्नाटक में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी सत्ता में ना आए, बीजेपी को किसी तरह से जो है पीछे किया जाए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा को मैदान में उतारा गया है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर। येदियुरप्पा की लिंगायत में बहुत अच्छी पैठ है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे येदियुरप्पा की, कि उनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे उनकी उन्होंने राजनीति में शुरुआत की और कैसे जो है उनकी एक अलग पहचान बनी। येदियुरप्पा का जन्म 27 फरवरी 1943 को भारत के कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले के बुक्कान केरे में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्ध लिंगप्पा और माता का नाम पुट्टतयम्पा है। येदियुरप्पा हिंदू धर्म के लिंगायत समुदाय के हैं। कर्नाटक के तुमकुर जिले में येदियुरप्पा यदुर स्थान पर संत सिद्ध लिंगेश्वर द्वारा बनाए गए शैव मंदिर के नाम पर उनका नाम रखा गया था। देखिए, कर्नाटक के तुमकुर जिले के येदियुर स्थान पर संत सिद्ध लिंगेश्वर द्वारा बनाए गए शैव मंदिर के नाम पर उनका नाम रखा गया है। जब येदियुरप्पा 4 साल के थे तभी उनकी माता की मौत हो गई। उन्होंने कला से स्नातक किया। 1965 में वो समाज कल्याण विभाग के प्रथम श्रेणी के किरानी चुने गए, लेकिन वह शिकारीपुर चले गए जहां उन्होंने वीरभद्र शास्त्री चावल मिल में किरानी की नौकरी कर ली। 1967 में उन्होंने वीरभद्र शास्त्री की पुत्री मैत्रा देवी से शादी कर ली। बाद में उन्होंने शिमोगा में हार्डवेयर की दुकान खोली। येदियुरप्पा के 2 पुत्र हैं। देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा राजनीति में आने से पहले यहाँ पर येदियुरप्पा को। देखिए, चावल की मील में काम किया, हार्डवेयर की उनकी दुकान भी थी। तो ऐसे देखिए बहुत आसानी से मंजिल नहीं मिलती। जी हाँ, यही कहना चाहेंगे कि बहुत आसानी से मंजिल नहीं मिलती है और मेहनत करने से ही जो है सफलताएं मिलती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि येदियुरप्पा ने किस तरह से संघर्ष किया। येदियुरप्पा के 2 पुत्र BY रघुवेंद्र और विजेंद्र एवं 2 पुत्री हैं जिनके नाम अरुणा देवी, पद्मावती और उमा देवी हैं। 2004 में एक दुर्घटना में उनकी पत्नी भी चल बसी। 2004 में एक दुखद दुर्घटना हो गई जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई। और अगर मैं उनकी वैसे बात कर लेता हूं तो देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि यहां पर उनके राजनीतिक करियर की, तो देखिए जैसा जैसा कि यहां पर देखने को मिला और कहीं ना कहीं देखिए 2007 में उन्होंने अपने ज्योतिषों की सलाह के अनुसार येदियुरप्पा से अपने नाम की वर्तनी को अपनी मौजूदा वर्तनी में बदल दिया। राजनीतिक करियर की बात करते देखिए 1970 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। येदियुरप्पा की जनता की सेवा 1970 से ही संघ की शिकारीपुर यूनिट का कार्यवाह के रूप में नियुक्ति की गई थी। 1972 में उन्हें शिकारपुर टाउन नगर पालिका के लिए चुना गया और उन्हें नियुक्त किया गया जनसंघ के ताल्लुक इकाई के अध्यक्ष। 1975 में उन्हें शिकारपुर के टाउन नगर पालिका के अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें भारत में आपातकाल के दौरान कैद और बेल्लारी और शिमोगा जेलों में दर्ज करवाया गया था। 1980 में उन्हें भाजपा की शिकारीपुरा ताल्लुक इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया और बाद में 1985 में भाजपा के शिमोगा जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। 1988 में वह कर्नाटक में भाजपा के राज्य अध्यक्ष बने। 1988 में देखिए वो बने थे। और आपको बता दूं कि 1994 के विधानसभा चुनाव के बाद वह कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी नेता बने। 1994 में 1999 में वह चुनाव हार गए, लेकिन कर्नाटक के विधायी परिषद का सदस्य बनने के लिए भाजपा ने नामित किया था।
फिर 2004 में वह फिर से निर्वाचित हुए और कर्नाटक विधानसभा में धर्म सिंह के मुख्यमंत्री अध्यक्ष के दौरान विपक्ष के नेता बने। उनकी पहली सत्ता में जब जनता दल नेता HD कुमारस्वामी ने धर्म सिंह की अध्यक्षता वाली गठबंधन सरकार को नीचे लाने और भाजपा के साथ एक वैकल्पिक सरकार बनाने की थी, JD और BJP के बीच एक समझौता किया था जिसने निर्दिष्ट किया कि HD कुमारस्वामी पहले 20 महीनों में मुख्यमंत्री होंगे, इसके बाद येदुरप्पा शेष 20 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। येदुरप्पा उप मुख्यमंत्री और कुमारस्वामी सरकार के वित्त मंत्री बने। उन्हें अच्छा बजट पेश करने और भाग्यलक्ष्मी स्कीम, छात्रों के लिए साइकिल अरक और कृषि ऋण छूट पर प्रतिबंध जैसे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने का श्रेय दिया गया। हालांकि अक्टूबर 2007 में जब येदुरप्पा की मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी, कुमार स्वामी ने अपने पद को छोड़ने से इनकार कर दिया था। ये येदुरप्पा और सभी मंत्रियों को इस्तीफा देने और 5 अक्टूबर को भाजपा ने औपचारिक रूप से कुमार स्वामी सरकार को समर्थन वापस ले लिया। कर्नाटक राष्ट्रपति शासन के तहत आया था जिसे 7 नवंबर को JD के रूप में रद्द कर दिया गया था और भाजपा ने अपने मतभेदों को दफनाने का फैसला किया और इसने येदुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया। येदुरप्पा को 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई। 12 नवंबर 2007 को देखिए शपथ दिलवाई गई। हालांकि जेडी ने मंत्रालयों को बांटने पर असहमति पर उनकी सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 19 नवंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में उनके इस्तीफे हो गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कर्नाटक के 2008 विधानसभा चुनाव में येदुरप्पा ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री एस बंगारप्पा के खिलाफ शिकारपुर से चुनाव लड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जल ने बंगारप्पा का समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद येदुरप्पा 45,000 से अधिक मतों के अंतर से सीट जीते। उन्होंने राज्य में भाजपा के ऐतिहासिक जीत का नेतृत्व किया और दक्षिण भारत में कर्नाटक भाजपा का प्रवेश द्वार बन गए। उन्होंने 30 मई 2008 को मुख्यमंत्री के रूप में पद की जो है शपथ ली। देखिए भाजपा का प्रवेश वो द्वार बन गए और 30 मई 2008 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि अवैध खनन के मामले की जांच कर रहे कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक के बेल्लारी, तुमकुर और चित्रदुर्ग जिले के गैरकानूनी लो अयस्क के निजात घोटाले के संबंध में बेंगलोर और शिमोगा में भूमि के सौदे से अवैध रूप में मुनाफाखोरी के लिए येदुरप्पा पर अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, यानी कि उन पर आरोप लगा अवैध खनन का भी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के काफी दबाव के बाद उन्होंने पद छोड़ने के अपने निर्णय की घोषणा की। अंत में उन्होंने 31 जुलाई 2011 को इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने 30 नवंबर 2012 को विधानसभा के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता के रूप में अपनी स्थिति से इस्तीफा दे दिया और औपचारिक रूप से कर्नाटक जनता पक्ष का शुभारंभ किया। यद्यपि पार्टी और उसका नाम अप्रैल 2011 में दर्ज किया गया था, येदुरप्पा ने वास्तव में इसे 2012 में शुरू किया था, पर 2013 से 15 में शिकारपुर संविधान से विधायक के रूप में चुने भी गए थे। और देखिए जैसे कि इन पर अवैध खनन का भी आरोप लग रहा है, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि इन पर करोड़ों के घोटाले के मामले का आरोप भी जो है येदुरप्पा को मिला था, येदुरप्पा पर लगा था। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि देखिए कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा को CBI अदालत ने 40 करोड़ के साउथ वेस्ट माइनिंग घोटाला मामले में उन्हें बरी कर दिया था। देखिए बरी कर दिया था, उन पर आरोप लगा था घोटाले का। और देखिए आपको मैं बता दूं कि बेंगलुरु की CBI अदालत ने येदुरप्पा के साथ साथ उनके दो बेटों और दामाद को भी इस मामले में राहत दे दी। साउथ वेस्ट माइनिंग घोटाले से जुड़ा ये मामला था और सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सदस्यीय खंडपीठ की ओर से CBI अदालत को भेजा गया था। न्यायमूर्ति AS कापाड़िया तब इस खंडपीठ के अध्यक्ष थे। तो देखिए उन पर आरोप लगा था करोड़ों के घोटाले का, लेकिन बाद में उन्हें राहत मिल गई। तो जैसे कि हम आपको बता रहे कि जिस तरह से उन पर आरोप लगा था, अवैध खनन का आरोप लगा था, फिर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा था, करोड़ों के घोटाले में देखिए उन्हें राहत मिल गई थी और उन्हें काफी जो है खुशी भी हुई इस बात की। और अब हम वर्तमान राजनीति की उनकी भूमिका पर जिक्र कर लेते हैं। देखिए भाजपा ने उन्हें कर्नाटक राज्य भाजपा इकाई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और जैसा कि आपको बता दूं कि अब जो भाजपा है वो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने उतार दिया है। जी हाँ, इसलिए जो है देखिए अमित शाह काफी कोशिशें कर रहे हैं कर्नाटक में
बीजेपी चुनाव जीते, बीजेपी की सरकार आए, ताकि येदुरप्पा को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि येदुरप्पा को लोग यानी कि वहाँ की जनता जो है पसंद करती है, और लिंगायत जो समुदाय है वहाँ पर उनकी एक अलग ही पैठ है। तो देखिए इससे साफ पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता किस कदर है, और कहीं ना कहीं उनकी ये लोकप्रियता बीजेपी के लिए जो है बहुत बड़ा फायदा पहुँचा सकती है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी।